सपोर्ट की जहाँ तक बात है या माय माय फैमिली सपोर्टेड मी मुझे किसी ने नहीं मना किया था व्हाट योर रिएक्शन मेरी शादी uh, बाद में हुई Ach, में, में, okay. मेरी वालदा की डेट सितंबर 21 <laughs> में थी और मेरी शादी की डेटर ट्वेंटी बट मेरे हिजाब की ट्रांसफॉर्मेशन <laughs> <थे, laughs> शादी से पहली थी तो मेरे हसबेंड का रिएक्शन है ही एक्सैप्टिड इट कि ओबियसली मेरा जो एक चेंज है दैट इज़ समथिंग जो कि

Of time, hmm. वो चीज़ें जो है ना, आपके और जो आपने बात की कि कि कभी दुबारा से आने का ख्याल या हिजाब छोड़ने का शैतान तो आपको वर्क लाता है hmm. लेकिन आप उसको किस तरह से कॉम्बैट करते हैं इट्स लाइक जस्ट यू नो स्टे कनेक्टेड विद योर दीन विद गैतान की हार है अच्छा एक आपने बात की कि आपको ना हजार लेने से कोई रोक सकता है और ना ना लेने से कोई रोक सकता है exactly. तो so, आप क्योंकि आप दीन को समझती हैं और आपने कुरान पाक को समझा है सो so, खुत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप अगर ये आपके हस्बैंड आपको बताते कि यू शुड स्टार्ट टेकिंग हजब सो वो एक वुमेन एम्पावरमेंट की दुकान खुल जानी थी और उसके ऊपर एक क्योस क्रिएट हो जा रहा था है कि यू कैन नॉट टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकती सो hmm. so, क्योंकि अब आपने अपनी मर्जी से किया है पर आपको दीन में, दीन में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शरीयत की बात करें सो डोंट यू थिंक दैट्स अ कंपल्शन की अगर कहा जाए या अगर कोई मर्द कोई बाप अपनी बेटी को कोई भाई अपनी बहन को कोई शोहर अपनी बेगम को अगर ये चीज कहता है इज़ इट समट करें कि वो आपकी आखिरत की तरफ बेहतरी की तरफ आपको लेके जाए ऐसी uh, बताने का तरीका बहुत मैटर करता है इट्स लाइक लेट सपोज अगर किसी के शोहर उन्हें कहते हैं कि जो आप हिजाब शुरू करें सबसे पहले तो उस शोहर को भी देखना चाहिए ना कि उनके अपने हकूक़ क्या आएँ शरीयत में सिर्फ औरतों के लिए तो सब कुछ नहीं है मर्दों के लिए भी है hmm. आप एक्शन से लीड करें ना hmm. जब आप खुद एक एक्शन अपना शो कर रहे हैं अपने स्पाउस को सो डेफिनेटली योर स्पाउस विल अंडरस्टैंड अगर आप उसको फोर्स कर रहे हैं शी विल फील सफोकेटेड सो व्हेन आई स्टार्टेड फोर्स करना मेरा माय क्वेश्चन वाज कि फोर्स करना हाँ अगर फोर्स हो रहा है हाँ एक अगर भी रहे तो उसको उसको बताएं के उसके क्या हैं, के जो खुद को देखे कि वो खुद इस मकाम पे खड़ा है इट्स नॉट लाइक ना कि खुद आप पार्टी कर रहे हैं और अपनी बेगम से कह रहे हैं कि इसमें अगर, इस अगर कोई दीन का मैसेज दे रहा है तो क्या दीन के मैसेज पे गौर करना जरूरी है या जिस गले से आवाज निकल रही है उस गले को समझना ज़रूरी है सबसे पहले तो जो एक आपका पर्सपेक्टिव होता है किसी का भी वो तो शख्सियत होता है कि कौन शख्स हमें ये मैसेज दे रहा है mm -hmm. एक फेवरेटिज्म होता है इट्स लाइक अ रोल मॉडल पहले आप ख़ुद एक रोल मॉडल बने फॉर एग्ज़ाम्पल वेन आई वॉज अ मॉडल अगर मैं तब लोगों को कहती हिजाब करें तो मेरे पे उंगलियाँ उठती हैं खुद देखो कैसे कपड़े पहनती हूँ दूसरों को हिजाब का कहती है नाउ वेन आई हैव सेट एन एग्जाम्पल जब मैंने खुद इस चीज़ को अपने ऊपर लागू किया

इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर नहीं समझ आती बात अगर फोर्स किया जाए क्या ये ठीक है फोर्स नहीं करना चाहिए बट उसको समझाना चाहिए उसको प्रॉपर तो बताना चाहिए लेकिन वही ना कि जब अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए भी एक टाइम तक समझाने का कहा का का उसके, है, बाद उसके बाद वो बच्चे की जिम्मेदारी है वो बच्चे सख्ती करनी चाहिए बच्चे को बताना चाहिए बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब वाले भी बच्चों पे उस तरह से सख्ती नहीं कर सकते जब बच्चा एक बाले के एज पे आ चुका है फिर उसको खुद पता है अबाउट हिज गुड एंड बैड डीड्स जब बच्चा आपके आपके पेरेंट के एज में है तब तो आप उस पर सख्ती कर सकते हैं बट वैन ही हैज़ अचीव दैट एज फिर वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दीन को समझे और ख़ुद से प्रोसीड करे एज a पेरेंट आपने ड्यूटी कर दी आपने बता दिया अगर आपकी ओलाद ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है तो वो तो आपके लिए बेहतरी है अगर आपकी ओलाद उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करी यू आर क्लियर फ्राम योर साइड बिकॉज यू फोर्स्ड बट एक सर्टन एज पर जब बच्चे आ चुके हैं जब वो माँ बाप की नहीं सुनते वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में आ चुके हैं सो डेफिनेटली फिर वो उनका टाइम है उनका फ़ेस है टू अंडरस्टैंड द रिलिजन वो किस सोसाइटी में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं फिर वो उनके है, right आपने वाकई दीन को अच्छी तरह समझाया क्योंकि नबी पाक वाली की जो है, उसमें 99 लोगों किया। दीन करके, exactly. डंडे के जोर पे दीन को नहीं फैलाया गया के लोगों को अगर इफ यू इंस्पायर और जब आप उनके दिल के अंदर घर कर लेते हैं तो फिर आप उनको कुछ भी समझाए जो, वो समझते so, हैं so, कद जो है हम मर्द रहा आपको हमें अपना कद इतना ऊंचा करना है अपना किरदार इतना ऊंचा करना है कि जब हम अपनी, फैमिली को, अपनी बहनों को जब कोई चीज समझाएं तो वो समझना उनके और बच्चे वो भी सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं hmm. जैसा घर का माहौल होगा बच्चे उसी चीज को अडाप्ट करते हैं डॉक्टर क्योंकि दिस इज द ड्रेसअपेल वे ऑफ टेकिंग

I've seen uh, you know young girls, they, yeah. everyone is beautiful, सब अच्छे लगते हैं हर किसी का अपना right है कि वो अपने आपको आप जो कपड़े पहनते हैं, so this is your way to express yourself. so if you like to uh, dress up formally, तो आप एक formal इंसान हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आर मैं बड़ा organized हूँ and I do things in an organized manner. somebody who's laid back wearing clothes जिसके लग रहा है तो वो उसकी personality है, इसमें कोई अतराज वाली बात है नहीं एंड hmm. मेरा नाक फसाना उसमें कोई मेरा काम भी लेकिन नहीं लोग तो हर पसाते काम और आप पसाते मैंने उन बच्चियों को देखा है कि दे वेयर ऑल द लेटेस्ट जीन्स ट्राउजर्स जो भी आपकी जैकिंग चल रही है टाइट जीन्स hmm. चल रही है बैगी स्टाइल <laughs> चल रहा है दे वेयरिंग एवरी थिंग और वो मतलब कि टक इन करके टी शर्ट्स सो बेसिकली योर यू नो बॉडी जो शेप है वो आप मच फ्लॉन्ट कर रहे हैं बट यू स्टिल हैव